दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर फोन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको सेफ सबसे जुड़ी हर तरह की वीडियोस के अपडेट सबसे पहले मिल सके। आपने अपनी अनुपस्थिति परिवार के लिए आपने क्या कर रखा है? मान लो आप अपने अपने घर में अगर नहीं है तो आप अपने परिवार की आप क्या कर सकते हैं? अगर आप एक दिन के लिए घर से अगर आप बाहर होते हैं, अगर आप एक दिन के लिए अगर आप घर से अगर बाहर जाते हैं, जैसे मान लो आज आप अपने घर से बाहर निकले और आपको मालूम है कल आप नहीं आओगे, आज शाम रात में आप ट्रेन से निकले हो किसी दूसरे शहर जाने के लिए और आपको पता है कि कल आप लौट के नहीं आ पाओ, तो आप क्या करते हैं? अपने घर में 1,000 रुपए छोड़ के जाते हैं ताकि अगर घर में अगर कोई काम अगर पड़ता हो तो आपकी पत्नी उस पैसे का इस्तेमाल करके जरूरत में आने वाले काम के सामानों का वो सामान खरीद सके। मालूम है कि आप कल नहीं आ पाओगे, परसों सुबह आप लौटोगे। तो एक दिन अगर आप घर पर नहीं रहते तो आप अपने घर में 1,000 रुपए छोड़ के जाते हैं ताकि आपके परिवार की जरूरत उस 1,000 से पूरी हो सके। आप अगर एक महीने के लिए घर पर नहीं आते हैं तो आप अपने घर के लिए 10,000 रुपए छोड़ के जाते हैं ताकि महीने का घर का राशन पानी आपका बराबर चल सके, महीना भर आपका परिवार जी सके। आप जरा सोचो, अगर आप 1 साल के लिए घर पर नहीं आते हो तो आप घर के खर्चों के लिए 1.5 लाख रुपए छोड़ के जाते हैं। आपको मालूम है कि 1 साल तक आप वापस नहीं लौटने वाले हैं, फॉरन विदेश में कमाने के लिए आप चले गए, 1.5 लाख आप घर पर छोड़ के गए ताकि उसका परिवार, आपका परिवार 10,000 के हिसाब से अगर देखते हैं तो पूरा साल आसानी से खा पी सके और उसका उस पैसे का इस्तेमाल कर सके। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करता हूं, क्या आपको पता है कि आपके ना होने पर आपको परिवार के लिए कितने रुपए छोड़कर आपको जाना है? क्या आपने इसका कैलकुलेशन कभी किया है कि आप जब इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो आपके ना रहने के बाद आपको अपने परिवार के लिए कितना पैसा आपको छोड़ के जाने की आपको जरूरत है? नहीं ना? तो मुझे लगता है मेरे यार इस पर गहराई से एक बार सोचना जरूर। हम अपनी जिंदगी में बड़ा खुश रहते हैं, हम अपनी जिंदगी में बड़ा तंदुरुस्त रहते हैं कि चलो ठीक है हमारी जिंदगी बढ़िया चल रही है, हमें कोई दूसरा ऑप्शन हमें तलाशने की क्या जरूरत है, हमें दूसरा कुछ भी करने की तैयारी की, हमें दूसरा कोई भी काम करने की तैयारी करने की क्या जरूरत है? मेरे यार अगर आपके पास अगर कोई ऐसा कोई विकल्प है ना, कोई ऐसा काम आपने करने की शुरुआत की है जिस काम को करने के दरमियान अगर आप इस दुनिया में अगर नहीं रहते उसके बावजूद आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, बढ़िया जिएगा, वही जीवन शैली उसके पास में होगी, वही लाइफ स्टाइल होगी जो आज उसके पास है, तो मुझे लगता है कि आपको कोई भी दूसरा या तीसरा काम कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आज आपके पास ऐसा कोई विकल्प नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है कि आपके जाने के बाद आपका परिवार उस तरह का जीवन जी सके जिस तरह का जीवन आज वो आपकी वजह से जी रहा है, तो मुझे लगता है फिर आपके पास में सेफ शॉप एक बहुत ही बढ़िया एक रास्ता आपके पास में है, जहां एक बार खाली आपको एक ऐसे पेड़ को लगाना है, अपने बच्चों के लिए आपको एक ऐसे पेड़ को लगाना है जो आपके बाद भी उनका ख्याल रख सके, जो आप दुनिया में रहो ना रहो लेकिन वो पेड़ आपके बच्चों का ख्याल रख सके। और सेफ शॉप दोस्तों ऐसा ही एक पेड़ है। अगर आपने इसका भरण पोषण, इसकी देखभाल अगर आपने सेफ शॉप की देखभाल अगर आपने की, शुरुआत में अगर नेटवर्क बनाने पर अगर आपने ध्यान दिया, टीम बनाने पर अगर आपने ध्यान दिया, तो एक बार जब आप एक बहुत बड़ी टीम बना देते हैं और उसके बाद आप दुनिया में रहो ना रहो लेकिन उसके बावजूद आपके बच्चों के बारे में आपको जरा से भी फिक्र करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपकी मेहनत की वजह से वो पैसा, वो आमदनी, वो जीवन जो आप अपने बच्चों के लिए चाहते थे, जो सपने आपने अपने बच्चों के लिए देखे थे, वो सारे सपने आपके बच्चों के हर हाल में पूरे होते चले जाएंगे। लेकिन शुरुआत में जैसे कोई भी पौधा हम लगाते हैं, कोई भी पौधा अगर हम लगाते हैं तो शुरुआत में उस पौधे की देखरेख करनी बहुत जरूरत होती है। शुरुआत में जो पौधा छोटा सा होता है, कोई बीज आपने जमीन में लगाया उसमें से 2 कोपल निकलती है, छोटा सा ही पौधा होता है, उस पौधे को कितनी देखभाल करने की जरूरत होती है? उस पौधे को कोई गाय भैंस भी चर सकती है, कोई बकरी खा सकती है, मुंह मार सकती है। शुरुआत में पौधा बड़ा कमजोर होता है, उसको आपकी देखभाल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। शुरुआत में अगर आपने उस पौधे की देखभाल अगर आपने कर ली और एक बार उस पौधे ने अगर जड़ पकड़ लिया और बराबर टाइम से आप उस पौधे को अगर खाद पानी अगर आप देते चले गए और जिस दिन वो पौधा पेड़ बन गया, तो मेरे यारों वो पेड़ ना केवल आपको जीवन भर खिलाएगा बल्कि आपके बाद आपकी पीढ़ियों को भी वो पेड़ फल खिलाता रहेगा। जरूरी क्या है कि एक ऐसा पेड़ लगाने के साथ साथ आप उसका देखभाल भी करते रहो, उसकी केयर भी करते रहो ताकि आप दुनिया में रहो ना रहो, आपके बाद भी आपके परिवार में आपके बच्चों की देखभाल वो जीवन भर उन बच्चों का देखभाल वो करता चला जाएगा। इसके लिए ऐसी कोई तैयारी करो और सेफ शॉप एक ऐसा रास्ता है कि अगर आपने करना अगर शुरू किया तो आने वाले कल में आपके बच्चों की जिंदगी की देखभाल करने की शुरुआत ये सेफ शॉप बिजनेस आपके लिए कर सकता है।